आज ना मैंने फाइनली टस्की क्लोई और गजोधर को एक साथ रख ही दिया, लेकिन गजोधर टस्की से इतना ज्यादा छोटा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि टस्की ने उस पे धाबा बोल दिया है। फिर मैंने सोचा कि चलो क्लोई को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेरा छोटा वाला बच्चा ना क्लोई से डर गया। अब मैं आप लोगों को क्लोई के नखरे दिखाती हूँ। इसने जब से न्यू किटन को देख लिया है ना, तब से ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। और वो सिर्फ हम पे ही नहीं, टस्की पे भी गुस्सा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्लोई को ना न्यू किटन अच्छा नहीं लगा। अब मुझे इसको क्लोई से अलग रखना पड़ेगा जब तक ये थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती, पर ये तो ये रूम में दिख ही नहीं रही है। फिर मुझे उसके पैर लटकते हुए दिखे, ये इतनी ज्यादा छोटी है ना कि यहाँ कैसे घुसी पता ही नहीं चला। और मैंने ना आज एक चीज नोटिस की कि उसका राइट वाला पॉ है ना, वो दो शेड्स का है। इसको तो कोई भी चीज दिख जाती है तो ये बस खेलने लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टस्की और क्लोई के पुराने खिलौने दिए जाए। अरे वाह, इसको तो ये खिलौने बहुत ज्यादा अच्छे लग गए, खास करके जो टस्की और क्लोई का टीजर है ना ये। अब जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तब हम टस्की और क्लोई से इंट्रोड्यूस करेंगे इसे।